हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सॉल्यूशन। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। इसके पहले के दोनों यूनिट्स में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया था और यूनिट 3, 4 और 5 हमारा क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। तो आज से हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी का क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या डेफिनेशन होता है, उसमें किस तरह के टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमारा सबसे पहले आता है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है, इसे इन्वेंट किया गया था 1906 में माइकल स्वेट द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था 1906 में। ये जो आपके साइंटिस्ट थे, ये बेसिकली आपके रशियन बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले इन्वेंट किया था या इंट्रोड्यूस किया था। क्रोमेटोग्राफी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है इसमें क्रोमा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को ऐसे बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो दो वर्ड में ये टूटेगा। पहला वर्ड होगा इसमें क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। और दूसरा वर्ड है इसमें ग्राफस, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली कलर्ड कंपाउंड की राइटिंग की जाती है, या कहना चाहिए कलर्ड कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अब अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशन है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये एक लाइन का आपका सिंपल सा मैंने डेफिनेशन दिया है। क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का सेपरेशन टेक्निक होता है, जिसमें हम मिक्सचर को इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक सैंपल लिया है, सैंपल में हमारे बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट वहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में से हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट को अगर सेपरेट करना है, उस केस में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ये एक आपका सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका एक लाइन का डेफिनेशन होता है क्रोमेटोग्राफी का। देखिए, जब स्टार्टिंग में इसे इन्वेंट किया गया था तो बेसिकली कलर्ड कंपाउंड के सेपरेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कलर से रिलेटेड जो भी हमारा ग्राफी है उसे कहा जाएगा क्रोमेटोग्राफी। तो इनिशियली इसे कलर्ड कंपाउंड के लिए अप्लाई किया गया था, कलर्ड कंपाउंड का सेपरेशन इसे किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें मॉडिफिकेशन होते गए, अब हम इसमें इनविजिबल कंपोनेंट्स का भी सेपरेशन कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं अलग अलग टेक्निक से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें मोबाइल फ़ोन का, तो सबसे पुराने टाइम में आपका एक टेलीफोन आता था जिसमें वायर लगा होता था और हम बटन दबा के कॉल लगाते थे। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया और उसमें हमारा आया एक सेलफ़ोन आया, जो कि आप नोकिया वगैरह का देखते होंगे, ठीक है, वो बटन वाला फ़ोन हमारा आया था। उसके बाद थोड़ा और मॉडिफिकेशन आया तो टच स्क्रीन फ़ोन आया, और आज के टाइम में हमारे पास फोल्डेबल फ़ोन्स भी आ गए हैं। तो जैसे मोबाइल फ़ोन में हमारा हर जनरेशन में कोई ना कोई एडवांसमेंट आते गया है, ठीक वैसे ही क्रोमेटोग्राफी में भी बहुत सारा एडवांसमेंट अब आ चुका है। तो इनिशियली इसे कलर्ड कंपाउंड के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं नॉन कलर्ड कंपाउंड के लिए भी। तो इस तरीके से आपका ये क्रोमेटोग्राफी काम करता है। अब देखिए, हम इसमें अगर टर्मिनोलॉजी देखें कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी का हम बेसिकली यूज़ करते हैं उसके प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहला वर्ड होता है इसमें स्टेशनरी फेज़। क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्टेशनरी फेज़ का होना ज़रूरी होता है। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है आपका? इट इज़ सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन सॉलिड एंड रिमेन्स फिक्स्ड इन अ प्लेस। स्टेशनरी फेज़ यानी कि वो फिक्स रहेगा, एक ही पोजीशन में रहेगा, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, तो वो होता है आपका स्टेशनरी फेज़। अब आपका ये जो स्टेशनरी फेज़ है, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन इसे किसके ऊपर बनाया जाएगा? किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे TLC अगर आप जानते होंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आपका एक ग्लास का प्लेट होता है और उसके ऊपर हम सिलिका जेल लगाते हैं, ठीक है। तो ग्लास प्लेट आपका क्या है? सॉलिड सरफेस है। सिलिका जेल आपका क्या है? एक और सॉलिड फेस है, ठीक है। तो सिलिका जेल यहाँ पर एज ए स्टेशनरी फेस काम करता है। तो जो स्टेशनरी फेस होता है, वो किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर में लगाया जाता है। उस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर में हम कोई सॉलिड भी लगा सकते हैं या फिर कोई लिक्विड का कोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टेशनरी फेस, और ये आपका फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी में ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। अब इसमें दूसरा इसका टर्मिनोलॉजी है मोबाइल फेस। मोबाइल यानी कि ऐसी चीज़ें जो मूव करती हो, मूवमेंट होता हो जिसमें। तो मोबाइल फेस यानी कि ऐसा फेस जिसमें मूवमेंट होता हो, मूव्स इन डेफिनाइट डायरेक्शन।
तो मोबाइल फेस आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। मोबाइल फेस आपका कोई भी टाइप का सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर हम गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एनालाइट। एनालाइट यानी कि सैंपल, जिसे हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करना चाहते हैं। देखिए मिक्सर हमने लिया है ना, यही मिक्सर हमारा क्या कहलाएगा, एनालाइट कहलाएगा, क्योंकि एनालाइट यानी कि हमारा सैंपल जिसे हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एनालाइट हमारा सैंपल होता है। नेक्स्ट है इसमें इल्यूएट। इल्यूएट किसे बोलते हैं, मोबाइल फेस लिविंग द कॉलम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम लेते हैं, कॉलम जैसे आप लैब में अगर ब्यूरेट देखे होंगे, ठीक उसी टाइप का हमारा एक कॉलम होता है, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसका यूज़ किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो अगर इसके एग्जांपल में अगर हम समझें, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या होता है, देखिए ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये आपका स्टेशनरी फेस है जो कि हमने वहाँ पर फिल करके रखा है। ये स्टेशनरी फेस मान लीजिए हमने सिलिका जेल लिया है, ठीक है। तो इस कॉलम में हम सबसे पहले स्टेशनरी फेस फिल किए, वो रहेगा हमारा स्टेशनरी फेस जो कि मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मोबाइल फेस को डालते हैं। मोबाइल फेस क्या करेगा, इस सॉलिड से होते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे हमने एक स्टॉपर लगा के रखा है, जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमारा मोबाइल फेस ऊपर से धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए किस में जाएगा, नीचे जाएगा और इस ओपनिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल फेस का काम ही क्या होता है कि वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव करता है, या कहना चाहिए जैसे यहाँ पर के केस में क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक हमारा होगा स्टेशनरी फेस, दूसरा हमारा रहेगा मोबाइल फेस। अब इल्यूएट किसे कहा जाएगा, वो मोबाइल फेस जो कि कॉलम से निकले। तो सिर्फ मोबाइल फेस अगर कॉलम से निकलता है तो उसे कहा जाएगा इल्यूएट। दूसरा है इसमें इल्यूएंट, सॉल्वेंट दैट कैरी एनालाइट। अगर सॉल्वेंट या मोबाइल फेस हमारा एनालाइट को कंटेन कर रहा है और एनालाइट के साथ बाहर निकल रहा है तो उसे कहा जाएगा इल्यूएंट। यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई भी हमने कॉलम लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, स्टेशनरी फेस को फिल किया। स्टेशनरी फेस फिल करते ही वो कॉलम क्या हो जाएगा, भर जाएगा हमारे स्टेशनरी फेस से। अब हम क्या करते हैं, उस कॉलम को सैचुरेट करने के लिए मोबाइल फेस ऊपर से डालते हैं। मोबाइल फेस डालेंगे तो क्या होगा, वो पूरे जो भी सॉलिड पार्टिकल है हमारे स्टेशनरी फेस के, उसको वो पास आउट करते हुए नीचे से बाहर आ जाएगा। तो इससे हमारा मोबाइल फेस पूरे कॉलम में एक तरीके से फैल जाएगा, या कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टॉपर को बंद कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एनालाइट को ऊपर से डालते हैं, ठीक है। एनालाइट में हमारा कोई भी मिक्सचर ऑफ सैंपल हो सकता है। मिक्सचर यानी कि इसमें मान लीजिए हमारे दो तरह के कंपाउंड प्रेजेंट हैं, एक हमारा रेड कलर का कंपाउंड प्रेजेंट है और एक हमारा ग्रीन कलर का कंपाउंड मान लीजिए प्रेजेंट है। तो ठीक है, जैसे ही हमने एनालाइट को डाला तो देखिए ये आपको जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, ये हमारा एनालाइट है, जिसमें दो तरह के इसमें मिक्सचर है, एक रेड कंपाउंड है और एक ग्रीन कंपाउंड है। उसके बाद हम जैसे ही इसमें मोबाइल फेस डालेंगे तो मोबाइल फेस क्या करेगा, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि ग्रेविटी के साथ वो नीचे आएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो आपका एनालाइट है वो भी मोबाइल फेस के फोर्स के कारण नीचे आते जाएगा, ठीक है। मोबाइल फेस इसे क्या करेगा, नीचे की तरफ ढकेलेगा, जिससे आपका ये जो एनालाइट है वो नीचे आते जाएगा। लेकिन इसमें जो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं एनालाइट में, वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग नीचे आएंगे। मान लीजिए कि उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के लिए कम है, तो उस केस में आपका जो एनालाइट है वो जल्दी नीचे आ जाएगा। और मान लीजिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, यानी कि वो स्टेशनरी फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो वो उसमें एक टाइप से धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो अट्रैक्टेड है उससे, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है नीचे आने का सेकेंड कंपोनेंट का, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, एफिनिटी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड है वो नीचे ट्रेवल करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर दो कंपाउंड का मिक्सचर लिया था, रेड और ग्रीन का, ठीक है। ये जो रेड वाला है, इसे स्टेशनरी फेस से कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो वो जल्दी से उसको लीव कर देगा कॉलम को, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जल्दी नीचे पहुंच गया है। लेकिन जो ग्रीन वाला है, वो स्टेशनरी फेस से एफिनिटी रखता है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, इसीलिए ये धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, क्योंकि आपका ये जो स्टेशनरी फेस है उसके साथ ये एफिनिटी रख रहा है, इसके वजह से उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। तो देखिए एफिनिटी के अकॉर्डिंग आपका जो रेड वाला है वो जल्दी नीचे आ गया, ठीक है, और ग्रीन वाला ऊपर रह गया।
तो जब हम कॉलम को देखेंगे विजुअली तो हमारा दो कलर हमें सेपरेटेड दिखेंगे, ठीक है। जो नीचे आ चुका है वो हमें नीचे दिखेगा, जो ऊपर रह गया है वो ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके पहले रेड वाले को सेपरेट कर सकते हैं, फिर हम अपना टेस्ट ट्यूब बदल के ग्रीन वाले को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कॉलम में सेपरेट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है रिटेंशन टाइम, टाइम टेकन बाय एन एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम अंडर सेट कंडीशन। रिटेंशन टाइम क्या होता है, जितना टाइम आपका एनालाइट किसी भी कॉलम में रहे उसे कहा जाता है रिटेंशन टाइम, कितना देर वो वहाँ पर रह रहा है। जैसे आपका मान लीजिए ये एनालाइट है, मान लीजिए ग्रीन वाला है, अब ग्रीन वाले का रिटेंशन टाइम कितना है, जितनी देर वो उस कॉलम में रहेगा वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो रेड वाला है ये जल्दी ट्रैवल कर रहा है क्योंकि इसकी एफिनिटी कम है, जल्दी ट्रैवल कर रहा है, ये कॉलम से जल्दी निकल जाएगा तो इसलिए इसका रिटेंशन टाइम कम रहेगा, ये कम टाइम तक कॉलम में रहेगा। लेकिन जो ग्रीन वाला है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ये धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है तो इसलिए ये इस कॉलम में ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रिटेंशन टाइम, कि कोई भी एनालाइट कितने देर तक हमारे कॉलम में है उसे हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अभी हमने इसे समझा है, आगे के वीडियो में हम इसमें अलग अलग तरीके के क्रोमेटोग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेशनरी फेज वो फेज होता है जो कि मूव नहीं करता है, मोबाइल फेज आपका मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपका एक एनालाइट होता है जिससे हम सैंपल भी कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके अलावा रिटेंशन टाइम हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की, जो क्रोमेटोग्राफी है उसे हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीका होता है इसे क्लासिफाई करने का। पहला मेथड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बेस में हम इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला है इसमें आपका एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन यानी कि इसमें आपका एड्सॉर्प्शन का फेनोमेनन होगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन टाइप की क्रोमेटोग्राफी में आपका क्या होता है, एक सॉलिड का लेयर होता है, इसमें आपका जो स्टेशनरी फेस होता है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेस लिक्विड होता है, ठीक है। और जो आपका एनालाइट है वो उस सॉलिड में एड्सॉर्ब होता है। देखिए एड्सॉर्प्शन आपका सरफेस फेनोमेनन होता है, ठीक है, इसमें जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो सरफेस में ही बाउंड होगा। तो यहाँ पर आपका एनालाइट सॉलिड के सरफेस में बाउंड होता है और उसके अकॉर्डिंग वो आगे ट्रेवल करता है अपने एफिनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन में आपका स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस लिक्विड होता है। अगर एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल देखें तो इसमें आपका आता है GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेस आपका इसमें गैस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो यहाँ पर सॉलिड होता है। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इसमें आता है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है, और इसमें आपका आता है HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये चार तरह के जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी के वो आपके एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सेकेंड है इसमें पार्टीशन। पार्टीशन यानी कि दो अलग अलग लेयर, ठीक है, तो दो लेयर आपके लिक्विड या गैस के रहेंगे, तो ये आपका होता है पार्टीशन, ठीक है। इसमें पार्टीशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे हम बोलते हैं HPLC। तो ये चार तरह के टेक्निक आपके पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आते हैं। पार्टीशन में अभी आपको लग रहा होगा पेपर कैसे आ गया, पेपर में आपका क्या होता है, पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे दिखने में तो वो सॉलिड दिखेगा, लेकिन पेपर जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, तो पेपर आपका इस तरीके से बना होता है एक्चुअली में, ठीक, इसकी जो फाइबर्स हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में होते हैं। अब इन जो फाइबर्स हैं इसके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये एज ए स्टेशनरी फेस काम करते हैं, और जो मोबाइल फेस है उसमें मान लीजिए हमने लिक्विड लिया, ठीक है, तो आपका ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है यही यहाँ पर एज ए स्टेशनरी फेस काम करते हैं, इसलिए ये आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंडर आता है। नेक्स्ट है इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये आपका आयन के एक्सचेंज पे काम करता है जिसे हम अभी आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद आता है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें आपका आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपका क्रोमेटोग्राफी टाइप का ही टेक्निक होता है।
क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी मिक्सचर है या जो भी हमारा सैंपल है उसे हम पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आता है। तो ये आपके कुछ 6 टाइप के प्रिंसिपल हैं जो कि क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब अगर हम इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो वो है बेस्ड ऑन टेक्निक। टेक्निक के बेस में क्रोमेटोग्राफी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो टेक्निक में जैसे हम देखें तो यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। पहले में मैंने टेक्निक दिया है, उसमें हम क्या स्टेशनरी फेज लेते हैं और क्या मोबाइल फेज लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टेबल है। अब जैसे टेक्निक में अगर हम देखें तो पहला है कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कॉलम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसमें हमारा स्टेशनरी फेज होता है सॉलिड और मोबाइल फेज होता है लिक्विड। कॉलम में बेसिकली हम स्टेशनरी फेज को सॉलिड लेते हैं और मोबाइल फेज को लिक्विड लेते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन में हमारा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों ही लिक्विड होता है। थर्ड है इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर में आपका लिक्विड रहता है स्टेशनरी फेज। लिक्विड क्यों? क्योंकि बाउंडेड वाटर यहाँ पर एज ए स्टेशनरी फेज काम करता है और वाटर लिक्विड होता है, इसलिए आपका यहाँ स्टेशनरी फेज लिक्विड है और जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड होता है। नेक्स्ट है इसमें TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, जनरली हम सॉलिड का यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मोबाइल फेज होता है आपका लिक्विड। नेक्स्ट है GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है लेकिन जो मोबाइल फेज है वो गैस होता है। नेक्स्ट है GSC गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगा और मोबाइल फेज रहेगा गैस। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में हम विस्कस सॉलिड का यूज़ करते हैं और इसका जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होता है। कहीं कहीं पे आपको ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो एड्सॉर्प्शन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली हम सॉलिड को ही स्टेशनरी फेज ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होता है टेक्निक के बेस में। दोनों ही तरह के क्लासिफिकेशन आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरीके से क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।